मेले के दौरान रोडवेज ने करीब 55 लाख की कमाई, केवल अजमेर से 21 लाख की हुई कमाई। 105 बसें लगाई गई थी उस मेले में। उस मेले को देखते हुए रोडवेज द्वारा 105 बसें लगाई गई थी जो जायरीनों को कायर से गंज उतारती थी और गंज से कायर छोड़ती थी। आज अजमेर के चीफ मैनेजर ने बताया कि उस मेले में लगी बसों से रोडवेज को 55 लाख की कमाई हुई है, जिसमें से केवल अजमेर ने 21 लाख रुपए की कमाई की है। कुल 3 लाख जायरीनों को रोडवेज से यात्रा करवाई गई थी। उस मेले में राजस्थान रोडवेज के द्वारा 105 गाड़ियां लगाई गई और उस मेले में राजस्थान रोडवेज के द्वारा 105 गाड़ियां लगाई गई जायरीनों को लाने के लिए और ले जाने के लिए, और उससे पूरे रोडवेज की जो 105 गाड़ियां लगाई गई उनसे 55 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट रोडवेज को मिले, जिसमें से 21 लाख रुपए अकेले अजमेर अगार ने कमाई की। और हमने जायरीनों को काफ़ी सुविधा प्रदान की, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी गई बसों के द्वारा, और हर जब भी उन्होंने बस मांगी हमने बस प्रोवाइड कराई उनको, और किसी तरह की कोई परेशानी जायरीनों को नहीं आने दी गई। उसमें बाहर से गाड़ियां मंगाई गई ना सारे, और 3 लाख जायरीनों को हमने यात्रा करी, सुविधा प्रदान की हमने कायर से, और ये जो दरगाह तक आना जो दिल्ली विल्ली जाने वाले और दिल्ली वगैरह जाने वाले थे, यूपी में भी जाने वाले थे, उनको भी यात्रा। नाम अनिल पारिक है, चीफ मैनेजर अजमेरा।